हेलो, मैं हूँ सोमी टोली, आपका दोस्त। और आप हैं भ्रमण बाग चैनल में। मैं आज आपको SJ6 लेजेंड के बारे में कुछ बात बताऊंगा। मैंने एक कैमरा खरीदा हाल ही में, और ये कैमरा मुझे अमेजोन से 8,990 रुपीज़ में मिला। मैं इसका परचेस करने का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दूंगा। दो राइड में मैंने इस कैमरा को यूज़ किया, और इस कैमरे का पांच मैंने डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बताऊंगा। तो आप जब ये कैमरा खरीदेंगे तो आपको ये हेल्प होगा। तो सभी लोग तो गोप्रो नहीं खरीद सकते, आप गोप्रो के बदले में ये SJ6 लीजेंड खरीद सकते हो। और ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, मैंने यूज़ किया। फिर भी मुझे पांच डिसएडवांटेज मुझे लगा, और इसके पांच जो एडवांटेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कैमरे के बारे में। इस कैमरे का पहला पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें आता है वाटर प्रूफ केसिंग। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, और मैंने इसे पानी में भी यूज करके देखा, बहुत ही अच्छा है। इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें 4K रिजोल्यूशन आता है, और ये 4K वीडियो का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। इससे मुझे तीसरा पॉजिटिव पॉइंट यही मिला कि इधर दिखाता है आप कितना टाइम रिकॉर्डिंग किया हो, कितना टाइम रिकॉर्डिंग बाकी है, आपका मेमोरी कितना है, बैटरी इंडिकेटर, और कौन सी आपका फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो मुझे ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा। चौथा पॉजिटिव पॉइंट ये लगा कि इधर पे बहुत कुछ सेटिंग किया हुआ है, और ये सेटिंग बहुत ही काम का है, जैसे कि रिजोल्यूशन है, लूप्स रिकॉर्डिंग है, लो लाइट मूड है, और जायरो सेंसर है, ऑडियो वॉल्यूम टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, वीडियो फाइल फॉर्मेट भी दिया है। इसमें बाइट रेट भी आप चेंज कर सकते हो, शार्पनेस, वाइट बैलेंस, कलर, बहुत सारा फीचर है ऐसा। और सेटिंग में डेट टाइम, लैंग्वेज, फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, गिम्बल कंट्रोल, इस कैमरा से आप गिम्बल को भी यूज कर सकते हो। इसका पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है इसका जो इंटरनल माइक दिया हुआ है, ये माइक का जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। और मुझे खास करके ये माइक में तीन वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, और वो वीडियो मुझे ऑडियो क्वालिटी सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है ना, ये नहीं, मेरे वीडियो के नीचे, तो वो जरूर दबा देना। वो दबा देने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा आपको, और मेरा आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपको मिलते रहेगा, अगर उसके पास जो बेल बटन है उसको दबा देंगे तो। तो आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट में। इसका पहला जो नेगेटिव पॉइंट है, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन वीजीए क्वालिटी का है। तस्वीर खींचने के वक्त हम इसे जूम नहीं कर सकते, तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज यही है कि इधर पे जो माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन लगाने का जो जगह है, तो ये जगह इस केसिंग में नहीं है, तो अलग करके इसमें होल करना पड़ेगा, और होल करने से ये वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, तो ये इसका मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। इसका तीसरा जो डिसएडवांटेज मुझे लगा इसका सेटिंग में, जो बाइट रेट है, ये बाइट रेट में जाके अगर बाइट रेट मीडियम से हाई कर देता हूँ तो ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। देखिए, आपका इंडिकेटर तो दिखाई दे रहा है पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। इसका जो बैटरी है, इस बैटरी का जो साइज है, साइज कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो इस बैटरी का यूज आप किसी भी अदर एक्सटर्नल जो चार्जर है, बैटरी चार्जर है SJCAM का, उसे आप ये चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा इसका। इसका आखिरी जो डिसएडवांटेज मुझे मिला तो वो है इसका जो वीडियो क्वालिटी 4K इधर पे दिखा रहा है, पर अगर मैंने वाईफाई से अगर इसको मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ तो मोबाइल में आपको 4K नहीं दिखाएगा, मोबाइल में आपको 2K दिखाएगा। मैंने आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इसका इतना सारा डिसएडवांटेज होते हुए भी
ये कैमरा मुझे गोप्रो के बदले में बहुत ही अच्छा लगा। इस रेट में मुझे बहुत ही अच्छा कैमरा मिला, मैंने यही मानता हूँ। और आप भी ये कैमरा खरीद सकते हो गोप्रो के बदले में, अगर गोप्रो खरीदने का आपको बजट नहीं है तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए और बने रहिए हमारे साथ। और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे इस चैनल में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और इसके बाद बेल बटन को दबा के जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।